नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रखंड मुख्यालय की लाइफलाइन कहे जाने वाले नी रेफरल अस्पताल अमोर में भ्रष्टाचार का बोलबाला। रेफरल अस्पताल परिसर घुसते ही गंदगी का अंबार है, तो वहीं पुरुष एवं महिला वार्ड में भी साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, न ही बेड पर चादर दी जाती है। वहीं प्रसव कराने आई महिलाओं ने बताया कि उनसे सबके नाम पर अवैध उगाही की जाती है, जो 600 रुपए से लेकर 1000 तक है। पैसे नहीं देने पर डराया धमकाया भी जाता है। इसमें ममता और ANM की मनमानी। केस नंबर 1 प्रसव कराने आए मच्छट्टा निवासी शबाना पति मोहम्मद कमाल ने बताया कि 11:30 बजे रात में उनका प्रसव हुआ। बच्चे देने के नाम पर ANM द्वारा ₹300 अवैध वसूली की गई। केस नंबर 2 बागडोर निवासी नीलोफर परवीन पति मुर्तजा ने बताया कि 9:45 में रात्रि में उनका प्रसव हुआ। दिल से ANM के द्वारा ₹600 की अवैध वसूली की गई। केस नंबर 3 में जूही प्रवीण पति सैफुल ग्राम रसेली 7:30 बजे रात्रि उनका प्रसव हुआ और यह ₹600 की अवैध वसूली ममता एवं ANM के द्वारा की गई। केस नंबर 4 साहिना पति आलम ग्राम नागरा टोला सीमल बारी का प्रसव 6 बजे सुबह में हुआ, जिनमें ANM के द्वारा ₹600 की अवैध वसूली की गई। केस नंबर 5 साहिबा कलाम ग्राम चनकी ने बताया कि रात को 1 बजे उनका प्रसव हुआ, जब ₹600 की अवैध वसूली की गई। ANM के द्वारा केस नंबर 6 चांदनी बेगम पति साहिब ग्राम कमल सरी ने बताया कि रात्रि 11 बजे उनका प्रसव हुआ और ₹600 की अवैध वसूली की गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। कहाँ घर हुआ? अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में आए थे? क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई? लड़की। ठीक है, हॉस्पिटल में आए जो क्या क्या हुआ आपके साथ? ये तो 400 मांग रहा था, तो 400 से 350 दिए हैं। 100 रुपया किसको दिए? कागज जो लिख रहे हैं। नर्स है कि एजेंट है? नर्स है। उसी को कै बजे हुआ बच्चा आपका? लगभग 6 बजे। 6 बजे सुबह में हुआ। कहाँ से आए हैं आप लोग? चादर उधर मिला था? कुछ नहीं। 600 रुपये दिए? क्या नाम क्या है आपका? नूरजहां नाम है। अच्छा, क्या कौन है ये बच्चा? कै बजे हुआ है? 1 बजे। 1 बजे रात में। कितना पैसा किसको दिए? 100 वाली, 170 वाली, 300 वाली। नर्स भी पैसा लिए? कौन कौन किसको किसको पैसा दिए? टोटल कितना पैसा दिए? 300 वाली। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।